मैं आपकी पाकिस्तानी स्टडीज़ क्लास 9 की टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम पढ़ेंगे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रिवेलिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द इस्लामिक सोसाइटी फर्मली बिलीव्स दैट sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. The power is to be exercised by the representative of the people within the limit prescribed by Islam. जी, क्या है principle of democracy in Islam? यानी इस्लाम में जमहूरियत के उसूल। देखिए, इस्लाम में जो जमहूरियत का तसव्वुर है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस्लामी माशरे में रहने वाले लोगों का ये अकीदा है, ये उनका ईमान होता है कि इस पूरी कायनात का चलाने वाला या इस कायनात का पर जो इक्तदार आला है वो अल्लाह ताला का है, और सिर्फ अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का हाकिम व मालिक है। आवाम के नुमाइंदे सिर्फ इन हदूद के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस्लाम ने आयद की हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट इंजॉय द अनलिमिटेड पावर्स, हाउएवर द पीपल आर एट लिबर्टी टू इलेक्ट द गॉड फियरिंग पर्सन टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। द राइटस कैलिफ्स ऑफ इस्लाम ऑलवेज सॉट फॉर द rightful opinion, the advisor constitute a shura, the panel of advisors, so long as those in power conform to the laws of Islam, they may continue to enjoy the confidence of the people. This explain the concept of democracy in Islam. देखिए, हुकूमत और कानून साज असम्बलीज जो होती हैं वो उनको लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं होते। हाँ, आवाम को इस बात की पूरी आज़ादी हासिल होती है कि वो रियासत के मामलात को चलाने के लिए अल्लाह से डरने वाले अफराद को मुंतखब करें। खुलफाए राजदीन बेहतरीन और दुरुस्त आरा रखने वालों की तलाश में रहते थे। इस तरह के मुशीरों को मिलाकर शुरा या की तश्कील दी जाती थी। इस्लाम में किसी भी शख्स को सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्ले कुल नहीं समझा जाता है। सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्ज़ी नाफिज़ की जानी चाहिए। जिन लोगों को इख्तदार मिलता है उस वक्त तक आवाम का एतमाद हासिल कर सकते हैं जब तक वो इस्लाम के कवानीन की पैरवी करते हैं, ठीक है। इसी से इस्लाम में जमहूरियत का तसव्वुर वाज़े होता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस। द लिटरल मीनिंग ऑफ जस्टिस इज टू कीप द राइट थिंग्स एट देयर राइट प्लेस। क्या कह रहे हैं, क्या मीनिंग है जस्टिस की? इंसाफ। इसके जस्टिस कि जो मीनिंग, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका क्या मतलब है कि सही चीज़ को सही जगह पर रखना, ठीक है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिवाइन लॉ, नो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी कंप्लीट विदाउट जस्टिस। इट इज़ द जस्टिस विच मेक एनी सोसाइटी पीसफुल एंड पर्पजफुल। द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पब्लिक गुड आर पॉसिबल ओनली अंडर अ जस्टिस सिस्टम। देखिए, ज़िंदगी का कोई भी पहलू अदल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये अदल इंसाफ ही है जिसकी वजह से कोई माशरा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है, ठीक है। कुरान हकीम इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। द होली प्रॉफिट द
द होली कुरान एम्फसाइज अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस. कुरान कुरान अदल के निज़ाम को कायम करने पर जोर देता है. द सोसाइटी इन विच जस्टिस इज सुप्रीम विल ऑलवेज हैव यूनिटी लव सिंसियरिटी एंड पीस. द होली कुरान सेज ओ यू हु बिलीव मेंटेन जस्टिस ऑब्जर्व विटनेस फॉर अल्लाह सेक दो इट मे बी अगेंस्ट योर ओन सेल्फ बी ही रिच और पुअर एंड लेट नॉट हेट्रेड ऑफ पीपल इंसेट यू नॉट टू एक्ट इक्वेटिवली. द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम. एक ऐसा माशरा जिसमें अदल को फौकियत दी जाती है या बरतरी दी जाती है इस उसमें हमेशा इत्तेहाद मोहब्बत उल्फत और खुलूस अमन पाया जाता है. कुरान पाक का इरशाद बारी ताला है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अदल कायम करो अल्लाह की रज़ा के लिए शहादत को कबूल करो यानी विटनेस को का ये खुद तुम्हारे खिलाफ हो का वो अमीर हो या गरीब और लोगों से नफरत तुम्हें इंसाफ करने से ना रोके. इस्लाम के अदालती निज़ाम में अफराद के बुनियादी हकूक का तहफ़ किया गया है. ठीक है फिर आता है आपका इक्वलिटी. इक्वलिटी इस्लाम इज़ द टॉर्च बेरियर ऑफ इक्वलिटी अमंग द ह्यूमन बीइंग्स. इस्लाम रिजेक्ट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस लैंग्वेज कास्ट कलर कल्चर एंड वेल्थ और पॉवर्टी. जी इक्वलिटी यानी मसावात बराबरी इस्लाम में इंसानों के दरमियान इस्लाम जो है वो मसावात का अलमबरदार है. इस्लाम रंग नस्ल ज़बान अकीदा सकाफत और अमीर यानी अमीर और गरीब की बुनियाद पर हर किस्म के निज़ाम इम्तियाज की नफ़ी करता है. रसूल सल्लम ने एक ऐसा समाजी व माशरी निज़ाम कायम किया था जिसमें अमीर और गरीब के इम्तियाज को ख़त्म कर दिया गया था. ठीक है आपने अपने द होली प्रॉफिट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द ईव ऑफ हज्जतुल विदा लास्ट पिलग्रिमेज डिक्लेयर्ड दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ हजरत आदम नो अरब has any precedence over non-Arab and vice versa. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं. इस्लाम में फौकियत सिर्फ या बरतरी सिर्फ और सिर्फ तक्वे की बुनियाद पर है. ठीक है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बिफोर लॉ रिच एंड पुअर इंडिविजुअल्स आर इक्वली अकाउंटेबल बिफोर लॉ. इस्लामिक शरीयत कोड ऑफ इस्लामिक लॉज प्रोवाइड्स लीगल जस्टिस विच मीन्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स इंजॉय प्रोटेक्शन अंडर लॉ एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सीक सोशल प्रोटेक्शंस. इस्लाम में लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है जैसा कि बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ तकवा ही है जिसमें जिसकी बुनियाद पर लोगों को यानी बरतरी हासिल है. कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं
गरीब हो या अमीर, कानून के सामने सब बराबर हैं, सब जवाब देंगे। शरीयत इस्लामी में कानूनी अदल इंसाफ, शरीयत इस्लामी कानूनी अदल इंसाफ मुहैया करती है, जिसका मतलब ये है कि तमाम अफराद कानून के को तमाम अफराद को कानून का तहफ़ हासिल है और इन्हें समाजी तहफ़ हासिल करने के लिए मसावी मौाक़े यानी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं। ठीक है जी। थर्ड वन इज़ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। क्या मतलब है फ्रेटर्निटी का? मतलब भाईचारा। इन द वर्ड ऑफ होली कुरान ऑल द बिलीवर्स आर द ब्रदर टू ईच अदर। कुरान के अल्फाज में तमाम मोमिन या मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी एज ब्रदर दे शेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर एंड देयर हैप्पीनेस ऑल्सो। देखिए फ्रेटर्निटी या कुव्वत जो है इस्लामी माशरे का एक अहम पहलू है। भाई भाई होने की हैसियत से एक दूसरे के वो एक दूसरे के दुख सुख और खुशी और गमी में शरीक होते हैं। द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट अफेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फलेस सर्विस एंड सैक्रिफाइसेस। इन दिस वे द सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर ऑल। जी, इस तरह माशरे में अक़ुवत और भाईचारे का एहसास ही है जो मोहब्बत उल्फत, बाहमी तआवुन, बेलौस खिदमत और क़ुरबानी के जज्बात को उभारता है। इस तरह माशरे के तमाम लोग पुरअमन और पुर आसाइश माशरा तमाम लोगों के लिए पुरअमन और पुर आसाइश बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इस फ्रेटर्निटी का हम जो कहना चाहिए बहुत बड़ी हमें जो हम मिसाल देखते हैं या इसका एक अजीम मुजाहरा जो हमें मिलता है वो हमें उस वक्त मिलता है जब एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम मक्का टू मदीना। जब मुसलमानों ने हिजरत की थी मक्का से मदीना की जानिब, द पीपल ऑफ मदीना नॉट ओनली वेलकम दैम वार्मली बट ऑल्सो मेड दैम पार्टनर इन देयर बिजनेस एंड एसेट्स। ना सिर्फ ये कि उन्होंने बहुत गर्म जोशी से मक्का वालों का इस्तकबाल किया बल्कि उन्हें अपना हिस्सेदार बना लिया अपने बिजनेस में और अपने अपनी जायदादों में। ठीक है। Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a Muslim is a brother to another Muslim. He do not betray him nor become a source of trouble for his brother Muslim. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और अपने मुस्लिम भाई को तकलीफ़ पहुंचाने का ज़रिया नहीं बनता। और एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ़ देने का ज़रिया नहीं बनता। ठीक है। इसके अलावा रसूल सल्लम ने मशवरा दिया कि आपस में तहाइफ का तबादला किया करो, गिफ्ट्स दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक टॉलरेंस। जी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम में फर्स्ट वन इज़ जस्टिस, नंबर टू इक्वालिटी, नंबर थ्री फ्रेटर्निटी एंड नंबर फोर इज़ टॉलरेंस। टॉलरेंस इज़ अ ग्रेट वर्चू, इट सेव्स पीपल फ्रॉम हार्डशिप एंड प्रमोट्स लव फॉर ईच अदर। द बेस्ट वे टू डेवलप सोशल रिलेशन इज़ टू स्प्रेड टॉलरेंस। टॉलरेंस इज़ द सोर्स ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अदर। इट डिवेलप एंड
एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी. द होली प्रॉफिट सल्लम प्रीच टॉलरेंस थ्रू हिज वर्ड्स एंड डीड्स. जी, टॉलरेंस यानी रवादारी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये एक यूँ समझ लें कि रवादारी और बर्दाश्त बहुत अजीम नेकियाँ हैं. इट सेव्स पीपल फ्रॉम हार्डशिप, ये लोगों को मुश्किल से, दुश्वारी से बचाती है और दूसरों से प्यार और मोहब्बत का ज़रिया बनती है. लोगों के दरमियान समाजी ताल्लुकात कायम करने का बेहतरीन ज़रिया बनती है. दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आपस में ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए या बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाए. ज़ाहिर गलती, देखिए इंसान तो है ही गलतियों का पुतला, गलतियाँ होती हैं हर इंसान से. तो अगर हम दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे तभी माशरे में बेहतरी देख पाएंगे. बाहमी झगड़ों से बचने के लिए रवादारी बेहतरीन ज़रिया है. इसकी वजह से अक़ूवत और अमन का माहौल बनता है और इंसानी रिश्तों में इस्तेहकाम आता है. ठीक है, और रसूल सल्लम ने अपने कॉल ऑफ फेल से रवादारी का दर्स दिया या हमें रवादारी का सबक दिया. इस्लामी माशरे में गैर मुस्लिमों के जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाता है और उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है. ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट. और स्टूडेंट्स, ये आपको इसके साथ ही इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगी. जी, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम. ये क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड. तो इसका आंसर आप अपने पीएसटी के जर्नल में लिखेंगे. फिर रिपीट करूंगी, अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो बुक से लिखें या मुख्तलिफ़ जो रेफरेंस बुक्स होती हैं आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.